3 मिनट लगी थी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हमारे पास है मल्टी फंक्शनल एयर कंप्रेसर, जो कि हमारा bengu.com की तरफ से प्रोडक्ट रिसीव हुआ है। तो आज हम इसे अनबॉक्स करते हैं और आपको इसका डिटेल बताते हैं, तो कितना यूज़फुल है और कितना पोर्टेबल है। और मैंने इसको यूज़ करा है, कम से कम 4-5 दिन से यूज़ कर रहा हूँ, और आपको इसका फिर डिटेल बता रहा हूँ, रिव्यू दे रहा हूँ। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा 5-in-1 इन्फ्लेक्टर है। इसके अंदर हमारे मिलता है इन्फ्लेक्शन, और फिर हमारे मिलता है इसके अंदर टायर प्रेशर मेजरमेंट के लिए मीटर दिया हुआ है, और इसके अंदर हमारी सिग्नल लाइट मिलती है, और इसमें सेफ्टी हैमर भी है, जो कि हमारा इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर जो कार का ग्लास है उसे ब्रेक करता है। तो ये हमारा इन्फ्लेक्टर है, वो 12 वोल्ट के चार्जर चलता है। अब इसे अनबॉक्स करते हैं। तो अंदर मिलता है हमें यहाँ पर इन्फ्लेक्टर, जो कि हमारा एक गन शेप में हमारा इन्फ्लेक्टर है, और ये काफ़ी पोर्टेबल और छोटा सा है, और ये अच्छा भी है, मतलब हैंडी भी काफ़ी है। तो इसमें पहले ही मिलता है इसके अंदर इसमें टायर प्रेशर मेजरमेंट का इसमें मीटर दिया हुआ है, तो उससे हम जो एयर का प्रेशर है वो मेज़र करके एयर फिल कर सकते हैं। और इसके अंदर मिलती है हमें सिग्नल लाइट, जो कि हमारी रेड लाइट ब्लिंक होती है इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर। और फिर मिलता है इसके अंदर हैमर, जो कि हमारे कार का जो ग्लास है उसे ब्रेक करता है। सेकंड मिलता है हमें इसमें वायर केबल, जो कि हमारे इन्फ्लेक्टर में ये पावर सप्लाई का काम करती है, और इसकी लेंथ इतनी है कि हम जो है कार के चारों टायरों में एयर फिल कर सकते हैं, और अगर बाइक भी है तो बाइक का भी हम फिल कर सकते हैं, बाहर खड़ी करनी पड़ेगी उसके लिए। और साथ में वह थर्ड चीज़ आती है, इसके अंदर आते हैं हमारे कुछ टूल आते हैं। तो ये टूल मतलब जो हमारी हेल्प करते हैं एयर फिल करने के लिए, पहला हमारे इसके अंदर फुटबॉल में एयर फिल करने के लिए, और फिर हमारे इसमें बेड के जो होते गद्दे होते हैं फोम होते हैं, और फिर दूसरा था हमारे एयर प्लो जो होती हैं उनमें एयर फिल करने के लिए। तो कुछ इस तरीके के टूल है, और ये सारे प्रोडक्ट जो होती है हमारी 1 साल की वारंटी के साथ आते हैं, और वारंटी कार्ड हमें इसके अंदर ही मिलता है। तो ये हमारा इन्फ्लेक्टर है, और पीछे में दिया है इसके अंदर पावर का सप्लाई के लिए, तो यहाँ पर इसमें पावर सप्लाई लगती है। तो ये कुछ हमारा इन्फ्लेक्टर है, और मैं आपको चला के दिखाता हूँ इसमें कितनी आवाज़ करता है और कितना ये पावरफुल है। और जो हमारा कार का टायर है वो 0 PSI प्रेशर से 35 PSI 35 PSI तक कितनी देर में एयर फिल करता है। तो चलते हैं और इसका टाइम देखते हैं, और आपको बताता हूँ फिर उसके बाद ये कैसा काम करता है। बंद कर रहा हूँ मैं, बस वीडियो में कहीं कट नहीं लगाया। दोस्तों, आपने जैसे देखा कि इसमें जो टायर था पहले 0 PSI था, और फिर इसमें 33 PSI हो गया है। तो आपने देखा इसमें टाइम जो लगाया वो 6 मिनट का लगाया है 0 से 35 PSI तक। तो आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि और बाकी टायरों में कितनी देर में हवा भर देगा। तो कंप्रेसर की जो आवाज़ है वो आप सुन सकते हैं वीडियो में, और आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी नॉइजी ये प्रोड्यूस करता है। इन्फ्लेक्टर 5-10 मिनट बाद ही थोड़ी देर के लिए हीट हो जाता है, और ये ज़्यादा हीट नहीं होता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है इसके परफॉर्मेंस पे। तो ये काफ़ी अच्छा इन्फ्लेक्टर है, मतलब पोर्टेबल भी है। अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो मैं आपको इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से आप इसे परचेज कर सकते हैं, और ये आपको bengu.in पर मिल जाएगा। तो इसका जो प्राइस है वो है 1000 रुपीज़ अप्रोक्स, आपको ये bengu.in पर मिल जाएगा। अगर आप इसमें कोई कूपन कोड लगाते हैं तो आपको ये और भी सस्ता पड़ सकता है। तो ये था हमारा मल्टी फंक्शनल एयर कंप्रेसर। तो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट में करके जरूर बताइए, अगर किसी का क्वेश्चन है तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। विशाल सोलवें दा चल